वन विभाग के आला अधिकारी मूक दर्शक बनकर फोरलैन वे रेलवे के एजेंट बनकर अपनी जेबों को भर रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों को परेशान कर रहे हैं। यह आरोप पूर्व मंत्री एवं श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामलाल ठाकुर ने पत्रकार वार्ता के दौरान सवारघाट में लगाया। उनका कहना है कि वन विभाग आला अधिकारी फोरलैन कंपनी वे रेलवे के पिट्ठू बने हैं और वनों के पेड़ों को काटने वे सड़क निकालने की एवज में मोटी रकम वसूल रहे हैं, जबकि यदि कहीं गरीब लोगों के घर तक रास्ता निकालना हो तो वन विभाग DR काट देते हैं। रेलवे लाइन का काम चला है या हमारे जो फोर लेन का काम काफी अरसे चला है, इसमें जो ऑफिसर्स हैं इन्होंने जो है वो डबल स्टैंडर्ड अख्तियार किया हुआ है। मान लो हमने कहीं पे गांव में पुराना रास्ता है, उस रास्ते को ठीक करने के लिए ताकि गांव में गाड़ी पहुंच जाए, रास्ता तो है, लोग आते जाते हैं उसमें, उस रास्ते को सुधारने के लिए अगर मान लो विधायक निधि का पैसा मैंने दिया तो उसमें जिस दिन काम शुरू होता है उस दिन जो है वो डिप्टी रेंजर और गार्ड जो है वो वहां पे पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि ये जो है ना दिस इज फॉरेस्ट लैंड और फॉरेस्ट लैंड में तुम काम नहीं कर सकते, जबकि वो रास्ते पुराने रास्ते हैं, जो चले हुए रास्ते हैं जहां से लोग आते जाते हैं। अगर मान लो उन रास्तों को बंद कर दें तो गाँव के लिए रास्ता नहीं रहता, वही पुराने रास्ते हैं, उनको ठीक करने के लिए हमने कई जगह विधायक निधि का पैसा दिया। पर व्यावहारिक तौर पे ये चीज आई आगे कि ये जो गार्ड और जो डिप्टी रेंजर है वो वहां पे जाते हैं, DFO बिलासपुर उनको भेजता है कि आपकी शिकायत है और उनको जो है वो डैमेज रिपोर्ट काटते हैं 50,000 रुपए जो है ना, अगर मान लो 2,00,000 रुपए दिया तो 50,000 रुपए फॉरेस्ट वाले ले जाते हैं पेड़, जबकि एक भी पेड़ नहीं कटता वहां पे, झाड़ियां हैं, झाड़ियों को निकालने का वह 50,000 रुपए दो तब आगे काम चलेगा। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि ये जो रेलवे लाइन का जो काम चला हुआ है, रेलवे लाइन के काम के लिए उनको अपने वहां तक साइट तक पहुंचने के लिए उनको जो है वो फॉरेस्ट लैंड से सड़कें बना रहे हो। अगर आप जाओ जुगातखाना में जमीन तो लोगों की गई और उसके बाद भी मैं कहूंगा ये कंपनी वाले क्या कर रहे हैं, लोगों की जमीनों में जाके कोई झंडियां लगा रहे हैं, कोई बुर्जियां लगा रहे हैं। मैंने डेप्टी कमीशन से भी कहा कि भाई क्या कोई और जमीन अक्वायर हो रही है, डेप्टी कमीशन सेड नो, जो अक्वायर होनी है जमीन हो गई हुई है, लेकिन यहाँ पे ये कंपनी वाले दादागिरी कर रहे हैं और उस दादागिरी को अगर देखा जाए जो बढ़ावा दे रहे हैं वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दे रहा है। मैं आज ही पूछना चाहूंगा कि जो रेलवे लाइन वालों ने जो सड़कें बनाई अपनी मशीनरी को ले जाने के लिए, उसमें चीले भी कटी और जंगल के बीच में से वो जो है वो सड़कें हैवी मशीनरी लगी है, हैवी मशीनरी वहां से जा रही है और वहां पे सड़कें बना दी उन्होंने अपने लिए, कोई लोगों के लिए नहीं है वो सड़क। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से इन कंपनी वालों की सांठ गांठ है कि जो लोग वहां रहते हैं उनको तो रास्ता बनाने के लिए तुम आगे अड़चन पैदा कर रहे हो और वहां पे आप तुरंत पहुंच जाते हैं, तुरंत ही पहुंच जाते हैं, कई बार पुलिस वालों को भी ले जाते हैं। 2-3 ऐसे केसेस हमारे सामने आए कि भाई तुम फिर निशानदेही देना शुरू कर देते हो, एक कोई नायब आई हुए कोई तहसीलदार यहाँ पे बिलासपुर में, वो नई सिलेक्शन हुई है उसकी, उसको पता ही नहीं करो कान क्या होते हैं, उसको यही पता नहीं है कि जी आप निशानदेही देने के लिए क्या करना पड़ता है, कोई नहीं इन्होंने किया और उन्होंने सीधे तौर पर जो है वो जो नायब तहसीलदार है जिसको कोई पता नहीं है टेलीफोन पे जो है वो निशानदेही दे रही है, टेलीफोन पे सब सुनाई दे रहे हैं कि एक नेता का टेलीफोन आता है और बोलते हैं कि ये जो इसकी मिल्कियत है ये सरकारी निकाल दो। दो जगह हुआ था, ब्रह्मपोखर में भी हुआ था। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये गवर्नमेंट जो है कुल मिला के, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है या कुल मिला के मैं कहना चाहूंगा या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का इन कंपनी वालों से क्या लेना देना, अगर कोई है इनकी अंडरस्टैंडिंग तो लोगों को पता लगे कि लोगों के काम तो रोक रहे हैं और इन कंपनी वालों से जो है ना ले दे के जो है ना सारा कुछ हो रहा है, ना वो सरकारी खजाने में जा रहा है वो पैसा, या अगर मान लो कोई डैमेज रिपोर्ट काटी इन्होंने जो सड़कें बनी है यहाँ से लेके तनबाउंड की तरफ को सड़कें बनी जगातखाना, जबकि इन कंपनियों ने हजारों पेड़ों की बलि दे दी है और सड़कें निकाल रहे हैं।
मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे ये बताया जाए कि और डिप्टी कमिश्नर बता दे कि क्या वो पैसा जो है वो सरकारी खजाने में जमा हुआ है, जो डैमेज रिपोर्ट है कंजर्वेटर बिलासपुर में है। मैं कंजर्वेटर साहब से पूछना चाहता हूँ कि क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इन कंपनी वालों की कोई डैमेज रिपोर्ट काटी आपने, और कितना पैसा जो है वो सरकारी खजाने में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जमा हुआ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस ढंग से जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काम कर रहा है, उसके जो अधिकारी काम कर रहे हैं, खासकर जो DFO यहाँ पे नए आए हुए हैं, उनका हाल तो ये है कि भी वो लोगों को तो इसलिए तंग करके रख दिया हुआ है, और जबकि बड़ी बड़ी कंपनी वाले से माल खा के जो है ना किसी की कोई डैमेज रिपोर्ट नहीं काटी, और कंपनी वाले जो है वो सड़कें निकाल के हैवी मशीनरी लगा के वो अपने साइट तक पहुंचने के लिए जो है वो अल्टरनेटिव जो रोड जो है वो निकाल रहे हैं। फॉरेस्ट लैंड से निकल रहा है, उसकी कोई परमिशन नहीं है, और फॉरेस्ट वाले जो है ना वो सोए हुए हैं। या तो ये बता दें कि जो सड़कें बनी है उसकी कोई फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंडर कोई अगर परमिशन मिली हो, ये मैं कहना चाहता हूँ। इस प्रकार से जो व्यवहार हो रहा है वो लोगों के खिलाफ है, और इन बातों को उठाने के लिए जो है मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हम पीछे नहीं हटेंगे, लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए जो भी करना पड़ेगा मैं स्थानीय विधायक होने के नाते वो मैं करूंगा। रामलाल ठाकुर ने कहा कि इन सभी कामों के पीछे प्रदेश सरकार के चहेतों का भी हाथ है, जो अपनी मनमर्जी चलाकर अपना फायदा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के कुछ ऐसे चहेते पंचायत प्रधानों ने जमीन की NOC दे अपनी मशीनें वे गाड़ियां काम में लगा ली हैं, जबकि लोग परेशान हैं। यदि कंपनियों ने अपना इस तरह का रवैया नहीं बदला तो उन्हें संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ENTV स्वारघाट। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए ENTV के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें।